फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन है, यानी कि लोहंडा वाला दिन है। तो यहाँ पर भगनी लोग जो है मेरी और बगल की जो दीदी लोग हैं, ये लोग सब मिलकर गेहूं को मतलब नहाकर कपड़ा पहनकर ही जाना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, कंघी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जाकर वो लोग गेहूं को सुखा लेती हैं और वो पूजा वाला गेहूं रहता है वो जब सूख जाता है उसके बाद फिर जो बाहर में बनता है वो ज़्यादा करके बनता है, तो उसको हम लोग सब मिलकर मतलब खा कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सब हम लोग सब मिलकर थोड़ा थोड़ा, कुछ था नहीं गेहूँ में लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि पूजा आप समझ सकते हो इस पूजा में कितना नियम धर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सब मिलकर वही कर रहे हैं और मेरी बेटी भी कर रही है, मिष्टी भी कर रही है। तो जितनी छोटी है उतना छोटा उसे सूप भी मिला हुआ है, छोटू सा सूप मिला हुआ है, मतलब सुपली मिला हुआ है उसे भी। तो यहाँ देखिए, देख कर बगल वाली दीदी जो है वो फटक रही थी तो वो भी उसी तरीके से देख कर कर रही है बुआ के जैसे। और यहाँ पर ये लोग बात कर रही थी तो मैं ले रही थी, तो वो लोग बोल रही है ऐ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और आप लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा था। और ये है जो कि कभी भी वीडियो में नहीं आना चाहती है, और आज भी मैं अभी एडिट कर रही थी तो बार बार बोल रही थी मामी मुझे हटा दीजिए हटा दीजिए, लेकिन उसके सामने मैं हटा दी। फिर उसके बाद मैं ले ली, मतलब मैं मजाक कर रही थी उसके साथ। तो यहाँ पर मैं भी आ जाती हूँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, नहाने खाने वाला दिन से ही तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए फेस देख भी रहे होंगे थोड़ा सूखा सूखा, और बहुत कड़ा धूप भी था जिसके वजह से सबका फेस थोड़ा सा डल हो गया था। तो सबको ही हम लोग जितना भी गेहूँ रहता है सबको साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये लोग खाना खाने चली जाती है, मैं भी अपने घर आ जाती हूँ। और फिर शाम होने लगती है तो शाम में रंगोली बनाना भी ज़रूरी रहता है। तो ये लोग ऐसा करती हैं कि खाना वाना खा करके थोड़ा सा लेट जाती है, क्योंकि एक भगनी जो थी और उनकी जो फ्रेंड लोग थी वो लोग फास्ट में ही थी, बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं पी थी, क्योंकि गेहूँ इसी तरीके से सूखता है पूजा वाला। तो उसके बाद फिर खाने के बाद थोड़ा सा लगता है आलस जैसा, तो आलस को ख़त्म कर रही थी थोड़ा सा आराम करके। उसके बाद ये लोग जितनी भी फ्रेंड लोग हैं सब मिलकर रंगोली बना रही थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, प्रसाद भी बना चढ़ाना था। तो ये लोग रंगोली बना रही थी सब मिलकर, और काफ़ी खूबसूरत रंगोली बनाती है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है रंगोली। ये लोग पूप बोल रही थी कि मामी बोलिएगा कि सब कमेंट करें कि कैसा लग रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपको लगता है। और पूजा पाठ में रंगोली का एक अलग ही महत्व होता है, जैसे काली पूजा यानी कि लक्ष्मी पूजा में भी हम लोगों ने रंगोली बनाया था, छठ में भी रंगोली बनाया था, और हमारे जितने भी रोड थे ना हमारे घर के सामने वहाँ पर बहुत अच्छे से बीसीसीएल वाले लोग पानी मतलब ट्रक से पानी गिरा दिए थे धूल बैठाने के लिए। उसके बाद सभी ने चंदा मिलाकर फिर रंगोली बनाया था, बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब घर तो घर रोड भी एकदम जगमगाते हुए एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये छठ पूजा जो हम लोग इतने सालों से हर एक साल वेट करते हैं, साल भर वेट करते हैं इस चीज़ का कि आ जाए, तो आज इसका दूसरा दिन है और यहाँ पर इन लोगों की रंगोली कंप्लीट हो गई है। तो स्वास्तिक लगता है इन लोगों ने बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर फिर शाम हो जाती है तो हम लोग सब प्रसाद खाने जाने के लिए सब कोई तैयार हो रहे हैं। तो मैं सिंदूर लगा रही हूँ और बस मैं सिंपल ही मेकअप करती हूँ, मुझे मेकअप करना आता नहीं है, मैं झूठ क्यों क्या बोलूँ, मुझे सच में मुझे बिल्कुल नहीं आता है। सिंपल क्रीम पाउडर लगाया और जो कुछ थोड़ा बहुत जो पहनना रहता है कान में वही सब मैं पहनती हूँ, मुझे नहीं आता है। तो मैं झूठ क्यों बोलूं कि मुझे आता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल मेकअप नहीं आता है। और दीदी लोग भी तैयार हो गई हैं तो फिर वहाँ से हम लोग आ जाते हैं।
यहाँ पर फिर जहाँ पर यहीं पर दीदी पूजा की हैं, यहाँ खरना की थी, वो यहीं पर प्रसाद बना था। तो ये जो उनके घर के जो बच्चे हैं उनके नाम पर ये प्रसाद निकाला जाता है। उनके दो बच्चे हैं, एक भाई हैं, भैया हैं, तो उनके नाम पे निकाली है और यहीं पर वो खरना की थी और पूजा भी यहीं पर की थी। तो जो लोग भी आते हैं वो लोग यहाँ पर प्रणाम करते हैं जहाँ पर खरना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो सबको हम लोग एक एक करके ऐसे ही धूप दे रहे थे और धूप देने के बाद फिर प्रणाम कर रहे थे। तो छोटा बाबू को भी हम लोग लेटा दिए थे कि उसको भी आशीर्वाद मिल जाए, उसके बाद फिर मैं भी आती हूँ प्रणाम करने के लिए और फिर प्रणाम करते हैं। बच्चे लोग भी जो भी हैं, सारे बच्चे लोग भी, तो सबको प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद फिर दीदी इन उनको टीका लगा देती हैं सभी को, और यहाँ प्रणाम करने के बाद फिर दीदी को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप नोटिस किए होंगे दीदी सिंदूर नहीं भर सकती हैं, तो किसी को सिंदूर नहीं भरती हैं, तो हम ही लोग हैं आपस में एक दूसरे का सिंदूर दे लेते हैं, सभी को दे लेते हैं। दीदी सब लड़के लोग बच्चे लोग जो भी होते हैं सभी को टीका लगाती हैं और हम लोग जितने भी हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगा लेते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है ना, साल में एक बार ऐसे सिंदूर लगाने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर सबको प्रसाद दे रही थी, भगनी ही मेरी दे रही थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्चुअली हम लोग फोटो ले रहे थे, लेकिन मेरा वीडियो वाला में ही लगा हुआ रहता था तो वीडियो आ रहा था। तो ये चाची हैं, ये देवर हैं, मैं राधा, वो कृष्णा, और फिर भगनी है, दीदी हैं। और फिर यहाँ पर भी वो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रहा था, ये वीडियो ले रहे थे और हम लोगों को लग रहा था कि ये फ़ोटो ले रहे हैं। तो दीदी को मैं घुमा रही हूँ कि दीदी फ़ोटो ले रही हैं, लेकिन वीडियो ले रहे थे वो। तो बस यहाँ पर सब कुछ प्रसाद वगैरह हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि और भी जगह जाना रहता है। आज के दिन तो मैं कभी जाती नहीं थी, हमेशा यहाँ पर ही मेरा टाइम बीत जाता था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ रहता था तो लोग सब आते थे तो प्रसाद वगैरह देने में टाइम चला जाता था। तो आज मैं खुद ही लेट हो गई थी तो काफ़ी लोग आकर चले गए थे, तो मैं सोची कि चलो मैं चलती हूँ। और यहाँ ये मेरे से बात कर रहे हैं कृष्णा, कुछ वीडियो को लेकर ही बोल रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रसाद खाने के लिए और जगह जहाँ जाना था। इनके दोस्त के घर ही हम लोग जा रहे हैं, अभी सामने में ही है, सामने में बहुत ज़्यादा किया हुआ था, आप देख सकते हैं रोड में काफ़ी लाइट वगैरह लगी हुई है, घर घर में लगी हुई रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये मंथ जो होता है साल का सबसे स्पेशल होता है, पूजा पूजा पूजा, सब कोई अपना घर द्वार सब रोड तक सजाते हैं अपने आप को, हमेशा तो अपने आप को सजाते ही हैं, लेकिन ये लक्ष्मी पूजा छठ पूजा ऐसा पर्व है जहाँ हम लोग घर तो घर को भी सजाते हैं, द्वार को भी सजाते हैं और यहाँ तक कि रोड को भी नहीं छोड़ते हैं, सब चीज़ को सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड के घर से निकल कर फिर और बगल में की हुई थी तो वहाँ पर भी हम लोग चले जाते हैं। मतलब मैं इतना कभी नहीं गई थी इतने सालों में, 13-14 साल हो गई मेरी शादी को, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ। आ गए सब जगह से खाना ना खा, सॉरी प्रसाद खाकर, और खाना खाकर नहीं, प्रसाद खाकर अब हम लोग आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर में खाना बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, बाय। कल गुपचुप खाना कौन कौन जाएगा बोले तो हम कल गुपचुप खिलाएंगे हम।